हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू किचन बाय आरू। गाइस, आज मैं बनाऊंगी बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बाजरे का पराठा। यू नो फ्रेंड्स, मुझे बाजरे की रोटी बहुत कम पसंद थी, लेकिन जब मैंने इसका पराठा ट्राई किया तो मुझे ये बहुत यम्मी लगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप कैसे बाजरे का पराठा बना सकते हैं। आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दो मूली लेंगे। उसके बाद हम मूली को छीलेंगे। छीलने के बाद हम इसको धोकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम दो तीन मूली के पत्ते लेंगे, इसे भी धोकर छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक हरी मिर्ची, इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम इन तीनों चीजों को चॉपर से चॉप करेंगे। गाइस, अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। दो कटोरी बाजरे का आटा लेंगे, इसके अंदर 1/3 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/3 स्पून रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फ्रेंड्स, अब हम चॉप की हुई मूली के पत्ते और हरी मिर्ची इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे। हमें एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें और आटा गूंदना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल इसी तरह हमें बाजरे का आटा तैयार करना है। अब हम थोड़ा सा दूध लेंगे, इसमें धीरे धीरे करके हम दूध डालते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा डो थोड़ा टाइट और स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अगर डो पतला होगा तो बाजरे का पराठा अच्छी तरह से नहीं बनेगा, बेलते वक्त वो टूट सकता है। इसलिए आप थोड़ा टाइट और स्मूथ सा डो ही रेडी कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम पराठे को बेलना स्टार्ट करते हैं। इसको डस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा। बाजरे का आटा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इससे हमारा पराठा बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, अच्छी तरह से बेल जाएगा। पराठे को बेलते वक्त हमें इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पराठे को बेलना है। बिल्कुल धीरे धीरे आप इसे बेलिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा पराठा बिलकर तैयार हो गया है। अब हम एक तवा लेंगे, तवे के ऊपर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम पराठे को तवे के ऊपर केयरफुली डाल देंगे। पराठे को पलट देंगे। अब इसके चारों तरफ देसी घी लगाएंगे। फ्रेंड्स, पराठे को बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल रेड रेड हो गया है, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी हो गया है। सो फ्रेंड्स, हमारे बाजरे का पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे देसी घी लगाकर सर्व कर सकते हैं। हम इसे मक्खन के साथ खा सकते हैं, हरी मिर्ची के अचार के साथ, चाय के साथ हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत बहुत यम्मी होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।